Hey guys, welcome back to my channel Tech Panda Web और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों तत्काल टिकट एक ऐसी सुविधा IRCTC की तरफ से उन यात्रियों के लिए बनाई गई है जिनको शॉर्ट टर्म में यात्रा करना पड़ जाता है दोस्तों, तो ऐसे में वो तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक करवा सकते हैं और आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं दोस्तों। तो तत्काल टिकट के लिए भी कुछ अलग से नियम बनाए गए हैं दोस्तों, वो नियम क्या है आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तत्काल टिकट से जुड़े हुए सारे नियमों के बारे में। बुकिंग का क्या नियम है, टाइमिंग क्या है, कैंसिलेशन के क्या नियम है, आप एक बार में कितने टिकट बुक करवा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्काल टिकट की बुकिंग की टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग क्या है अगर आप तत्काल टिकट बुक करवाना चाहते हैं एसी क्लास में या स्लीपर क्लास में, तो जो तत्काल टिकट आपको बुक करवाना होता है किसी भी ट्रेन में आपको एक दिन पहले करवाना होता है दोस्तों। 24 घंटे पहले काउंटर ओपन हो जाता है, आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं दोस्तों। अगर आप एसी क्लास में टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सुबह के 10 बजे ही बुकिंग करना होगा दोस्तों। अगर आपके टिकट स्लीपर क्लास में है तो आप एक घंटे बाद मतलब सुबह के 11 बजे आपको बुक करवाना होगा दोस्तों, और जब तक टिकट अवेलेबल है तब तक आप टिकट बुक करवा सकते हैं। चार्ट प्रीपेड होने तक काउंटर ओपन हो रहता है, इस बीच आप अपने लिए तत्काल टिकट अगर अवेलेबल है तो बुक करवा सकते हैं दोस्तों। दूसरे नियम के बारे में बात करें तो दोस्तों तत्काल टिकट आप एक बार में कितने बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो नियम बनाया गया है कि आप एक बार में 4 लोगों के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं और 2 बच्चों की टिकट आप एक PNR में बुक कर सकते हैं दोस्तों। 4 लोगों से ज्यादा आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते दोस्तों। तीसरी जो चीज है दोस्तों, यहाँ पे कैंसिलेशन की बात होती है। अगर आप तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपके पास कंफर्म तत्काल टिकट है और आप इसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे IRCTC की तरफ से आपको रिफंड में कोई भी अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप तत्काल टिकट कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो आपको रिफंड के नाम पे कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों। अगर आपकी तत्काल टिकट जो है वो कंफर्म नहीं है मतलब कि वेटिंग लिस्ट में है तो आप इसे कैंसिल करवा सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी कैंसिल हो जाएगा अगर कंफर्म नहीं होता है। चार्ट प्रिपेयर होने तक कंफर्म नहीं होने पर ये ऑनलाइन जो टिकट होती है वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दी जाती है और आपका जो रिफंड अमाउंट होता है वो आपको वापस कर दिया जाता है। वेटिंग का जो चार्ज है वो 60 रुपीज और GST के साथ कट करके आपको वापस कर दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों तत्काल टिकट में एक और नई चीज है प्रीमियम तत्काल, जिसे आप ब्लैक तत्काल टिकट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल टिकट का प्राइस होता है वो बिल्कुल भी डिफरेंट होता है दोस्तों। तत्काल टिकट जैसे जैसे बुक होना स्टार्ट हो जाता है वैसे ही प्रीमियम तत्काल का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। दोनों की टाइमिंग सेम है बट जो प्राइस का डिफरेंस होता है, क्योंकि तत्काल टिकट का प्राइस कुछ और होता है, प्रीमियम तत्काल का टिकट के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जितना टिकट अवेलेबल है उसी हिसाब से इनका प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है दोस्तों। डिक्रीज तो कम ही होता है बट नॉर्मली इसका प्राइस इंक्रीज होता जाता है दोस्तों। तो दोस्तों तत्काल टिकट से जुड़े ये कुछ नियम थे जिनको आपको जानना जरूरी है अगर आप तत्काल टिकट के तहत ट्रैवल करना चाहते हैं, आप तत्काल टिकट बुक करवा रहे हैं तो दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।